राधे राधे फ्रेंड्स, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संखोतार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1,000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1,000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1,000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने 1,000 यज्ञ और 1,00,000 गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने
सब देवताओं को जीत लिया है, उसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी तथा लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मलयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल सरल पूजा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद फ्रेंड्स।